साथियों, रेनो की 7 सीटर गाड़ी ट्राइबर को लेकर के बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई है। ग्लोबल NCAP का जो क्रैश टेस्ट होता है उसमें ट्राइबर ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि वास्तव में इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करने में ट्राइबर कैसे सफल हुई। नमस्कार प्यारे मित्रों, साथियों आपको बता दें कि लगभग 1 साल पहले जब हमने YouTube पर वीडियो बनाने शुरू किए उस समय हमने ट्राइबर खरीदी थी। हमने का मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैंने ट्राइबर खरीदी लगभग 1.5 साल पहले। मैं ट्राइबर खरीद करके घर लाया और आज मैं ये ताल ठोक के कह सकता हूँ कि मेरी नज़रें वास्तव में पार की साबित हुई। बहुत सारे लोग इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसके सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर के बहुत सारे मुद्दे उठाते थे कि ये गाड़ी ऐसी है, बिल्कुल कबाड़ है, भंगार है, पता नहीं क्या क्या कहा। लेकिन मैंने उस सबको सहन किया, उन कमेंट्स के जवाब भी दिए। लेकिन आज जो ये ग्लोबल NCAP टेस्ट हुआ है वो सब लोगों के लिए जवाब है। साथियों, ट्राइबर का ये जो क्रैश टेस्ट हुआ है उसमें ट्राइबर ने झंडे गाड़ते हुए 4 स्टार प्राप्त किए हैं। 4 out of 5 यानी कि 4 स्टार मिले हैं। जो निशान की मैग्नाइट को आसियान एनकैप टेस्ट मिले था वो 4 स्टार रेनो की ट्राइबर को ग्लोबल NCAP में मिला था। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप जानते हैं ग्लोबल NCAP यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, वो काफ़ी जटिल होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो उसमें 4 स्टार प्राप्त करना यानी कि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सेफ है। और सबसे बड़ी और धमाकेदार बात ये कि जिस वेरियंट का इन्होंने टेस्ट किया उस वेरिएंट में केवल ABS, EBD, ड्यूअल एयरबैग थे, यानी कि इसके बेस मॉडल में भी ये सब चीज़ें आती है, सीट बेल्ट वार्निंग या रिमाइंडर जो है ये भी उसमें था। तो कुल मिला के जो बेस मॉडल में सिक्योरिटी फीचर्स है वो सिक्योरिटी फीचर्स वाला वेरिएंट था। यानी हम ये मान सकते हैं कि ट्राइबर का चाहे कोई भी मॉडल आपके पास है, चाहे वो बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है, सभी एकदम पूरी तरह से सेफ है। साथियों आपको बता दें कि रेनो एनकैप क्रैश टेस्ट के लिए आमतौर पर गाड़ियां नहीं भेजता है क्योंकि रेनो की गाड़ियां ज़्यादा अच्छे मार्क नहीं ला पाती है। क्विड की बात करें तो 4 बार क्रैश टेस्ट हुआ लेकिन 1 बार उसे 1 स्टार मिला, बाकी 3 बार उसे 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। और डस्टर की बात करें तो उसे भी 3 स्टार मिले थे, लेकिन यहाँ अब ट्राइबर का जो ट्राइबर बनाने वाले इंजीनियर्स हैं उन्होंने कमाल कर दिया है और 4 स्टार मिले। ये पहली गाड़ी है रेनो की जिसे एनकैप टेस्ट में, ग्लोबल एनकैप टेस्ट में 4 स्टार मिले। साथियों यदि अलग अलग बात करें तो एडल्ट ऑक्यूपेंस और चाइल्ड ऑक्यूपेंस के अलग अलग नियम होते हैं, उसके अनुसार एडल्ट ऑक्यूपेंस में 4 स्टार मिले हैं जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंस में 3 स्टार मिले हैं। लेकिन इन दोनों को मिला दें तो एवरेज जो है वो 4 स्टार प्राप्त हो जाते हैं। आमतौर पर एडल्ट ऑक्यूपेंस हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उसमें यदि 3 से ज़्यादा स्टार मिल जाते हैं तो काफ़ी सेफ माने जाते हैं। लेकिन यहाँ रेनो की ट्राइबर को 4 स्टार मिले। तो कुल मिला के रेनो ट्राइबर काफ़ी शानदार 7 सीटर MPV है। अपने लॉन्चिंग के बाद से काफ़ी ज़्यादा बिकी लेकिन अभी उसकी बिक्री थोड़ी कम हो गई क्योंकि कुछ चीज़ें थी, कुछ गलतफहमियां थी, कुछ अफवाहें थी जिसके चलते लोग धीरे धीरे ट्राइबर से दूर जा रहे थे। लेकिन ये जो ग्लोबल एनकैप टेस्ट हुआ है इसके बाद से निश्चित तौर से निशान की मैग्नाइट की तरह ही रेनो की काइगर भी एक बार फिर से अपने सपनों की उड़ान भर पाएगी। साथियों ये जो खबर है हमने जो ग्लोबल NCAP का ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ से प्राप्त किया है। यानी कि ये किसी तरीके से हम ये नहीं मान सकते कि ये अफवाह है या फर्जी है या बनावटी खबर है, ये पूरी तरह से सही सटीक खबर है और ये चमत्कार ट्राइबर ने कर चुकी है, ये हम मान सकते हैं। तो साथियों यदि आप ट्राइबर खरीदने का विचार कर रहे हैं या फिर ट्राइबर के ओनर हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए क्योंकि हम ट्राइबर से जुड़ी हुई छोटी से छोटी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। Thank you.